जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 7 प्रतिशत का अर्थ संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल लेक्चर नंबर 7 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 8। चैप्टर सेवन का लेक्चर नंबर है भैया 8। क्या नाम था उस चैप्टर नंबर 7 का? प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत का अर्थ संकेत, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना, तथा प्रतिशत ज्ञात करना, यह दोस्तों चैप्टर नंबर हमारा 7 है। दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 8 में दोस्तों प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पर दोस्तों प्रश्न होने वाले हैं। यानी कि लाभ और हानि पर दोस्तों, कैसे उसमें परसेंटेज हानि होती है और कैसे प्रतिशत दोस्तों लाभ होता है, उस पर दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों हमें चर्चा करनी है। ठीक दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में दोस्तों जितना भी सिलेबस अभी तक मैंने प्रोवाइड कराया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस दोस्तों आपको सीरियल वाइज दोस्तों देखने को मिल जाए, तो दोस्तों इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे सारे वीडियो दोस्तों आपको वहां से सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दोस्तों एक दूसरा भी तरीका है, आप यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आपको क्या नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, तो ध्यान रखिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करते रहिए, और क्या आप जितने भाई बंधु वीडियो को देखते हैं कमेंट करके जरूर बताया करें आप सभी भाई बंधुओं को यह वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर भी करते रहा करें। दोस्तों मैंने कल की क्लास में बताया था कि जितने भाई बंधु कमेंट रेगुलर करते हैं उनके सभी भाई बंधुओं के आज नाम मैं आपको बोलूंगा और बताऊंगा। दोस्तों ध्यान से देखिए कौन कौन भाई बंधु ऐसे हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, ध्यान से दोस्तों देखिए सुनिए। प्रतिभा सिंह, संगीता तिलक, नीतू तिवारी, अनुज प्रताप सिंह, एस शर्मा, मानसी तिवारी, पूजा, चांदनी देवी, अतुल पाल, पीयूष यादव, शिवांगी जायसवाल, नेहा जायसवाल, पूनम पूनम, पूजा रानी यादव, क्षितिज चंद्र, ठाकुर सिंह तोमर, मनीष, सोनी देवी, के एम मोनी, आसिफ इकबाल, दीक्षा यादव, सुभी सिंह, ये दोस्तों ऐसे लोग हैं जो क्या रेगुलर कमेंट करते हैं दोस्तों। ठीक है, हो सकता किसी का नाम छूट गया हो दोस्तों, तो नाराज मत होइएगा दोस्तों, जितने नाम मुझे दिखे हैं उतने नाम ने क्या फटाक से बोल दिए। ठीक है, फिर किसी के नाम छूट गए होंगे तो अगले लेक्चर में दोस्तों बोल दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों आज का दोस्तों लेक्चर नंबर आपका बहुत ही अहम है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब दोस्तों, क्योंकि आज के लेक्चर नंबर में आपके लघु उत्तरी में 2 नंबर का प्रश्न दोस्तों आज जो कराने जा रहे हैं पूछे जाते हैं कि प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ पे दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न आपका लघु उत्तरी में आता है। इसलिए दोस्तों इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और ये मान के चलिए कि इस लेक्चर से आपको 2 नंबर जरूर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि को जानने से पहले आप जानिए कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, कास्ट प्राइस क्या होती है और सेलिंग प्राइस क्या होती है। 2 शब्दों को ध्यान से समझिए, पहला शब्द दोस्तों क्या है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और दोस्तों दूसरा शब्द है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ध्यान समझिए दोस्तों, क्रय मूल्य पर जिस
कोई दुकानदार जिस पे वह वस्तु खरीद कर लाता है वह क्रय मूल्य कहलाता है। क्या इसे जो दुकानदार है जहां से खरीद के सामान लाता है, जिस जितने रुपए पे खरीद के लाता है वह उसे क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है, और जितने में आप लोगों को देता हुआ दुकानदार सामान वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कोई दुकानदार जो जो आप जहां से आप सामान लेते हैं वो जहां से सामान लेता है वह दुकानदार जहां से सामान लेता है वो मान लेते हैं कोई वस्तु लेके आया, कोई वस्तु लेके आया, मान लेते हैं कोई वस्तु लेके आया जो 500 की वो खरीद के स्वयं लाया है, तो वो 500 की खरीद के लाया है, ठीक है, वह दुकानदार, तो वो आपको क्या कुछ ना कुछ तो उस पर प्रॉफिट होगा ही, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट पे देगा ही देगा। तो मान लेते हैं वह वस्तु आपको 540 में दी, वह वस्तु आपको कितने 540 में दी, तो दूसरे जो खरीदा दुकानदार जिस मूल्य पे किसी वस्तु को खरीदता है वह कहलाएगा उसकी कास्ट प्राइस, क्या क्रय मूल्य कहलाएगा, इसी को सीपी से लिखते हैं दोस्तों, कास्ट प्राइस, ठीक है, क्या कहलाएगा, कास्ट प्राइस कहलाएगा। और जिस पे दुकानदार ने आपको दी वह वस्तु, जिस पे दुकानदार ने आपको वह वस्तु दी वह हमारी क्या सेलिंग प्राइस कहलाएगी, कितनी 540 है, तो क्या विक्रय मूल्य कहलाएगा, यानी कि दुकानदार ने आपको जितने में वह वस्तु दी वह उसका क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। और दुकानदार स्वयं दूसरे इस जगह से लेके आया है जहां होलसेल का सामान मिलता है वहां से लेके आया है वह उसका क्या कहलाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य कहलाएगा। तो क्रय मूल्य दोस्तों विक्रय मूल्य समझ गए, क्या 500 की वस्तु क्या उसे दुकानदार ने खरीद के लाया वह आपको बेचा किसमें, उसने 540 रुपए में, तो क्या हुआ 500 में खरीद के लाए 540 में उसने बेच दिया, तो ये उसका क्रय मूल्य होगा, ये उसका क्या विक्रय मूल्य होगा, यानी जितने में वस्तु खरीदी जाएगी वह उसका दोस्तों कहलाएगा क्रय मूल्य, और जितने में वस्तु बेची जाएगी वह उसका दोस्तों कहलाएगा विक्रय मूल्य। आई होप आप मेरी बात से सहमत हो रहे हैं, क्या किसी वस्तु को जितने में हम लोग खरीदेंगे, जैसे किसी वस्तु को खरीदा गया, मान लेते कोई साइकिल है, ठीक है, साइकिल मान लेते 1800 रुपए में दोस्तों क्या खरीदी गई, और खरीदने के बाद आपने उसी को क्या दूसरी को बेच दिया कितने 2000 में। एक बात मान लेते कि साइकिल आपने खरीदी 1800 में और किसी दूसरे को बेच दिया 2000 में, तो आपने क्या कितने में खरीदी 1800 में खरीदी और 2000 में बेच दिया, तो जितने में आपने खरीदी वह दोस्तों उसका क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा, कास्ट प्राइस, और जितने में आपने बेची वह इसका दोस्तों सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो ध्यान समझिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ चुके होंगे। अब ध्यान समझिए दोस्तों लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ और हानि ध्यान से देखिए दोस्तों, लाभ और हानि कैसे निकालने, तो दोस्तों जब भी लाभ निकालना होगा तो विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से दोस्तों क्रय मूल्य घटा देंगे, क्रय मूल्य कहने का मतलब दोस्तों क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटा देंगे तो दोस्तों तुम्हारा लाभ आ जाएगा। और जब भी दोस्तों हमें हानि निकालनी होगी तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, विक्रय मूल्य, ठीक है। जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु को जो खरीदा गया वह दोस्तों मान लेते हैं 25 रुपए में खरीदा गया, किसी वस्तु को जब खरीदा गया वो 25 रुपए में खरीदा गया, और जो दोस्तों वह वस्तु को बेचा गया 28 रुपए में, तो खरीदा गया इसलिए इसकी क्या हो गई, कास्ट प्राइस हो गई, क्रय मूल्य, और बेचा गया इसलिए इसकी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। तो इस पूछे कितने रुपए का हमें लाभ हुआ, कितने रुपए का दोस्तों हमें लाभ हुआ, तो ध्यान से देखिए कास्ट प्राइस हमारी कितनी 25, सेलिंग प्राइस 28, तो विक्रय मूल्य क्या होता, सेलिंग प्राइस होता, इसलिए कितना 28, और माइनस क्रय मूल्य कितना दोस्तों हमारा 25, तो 25 हो गया, यानी कि दोस्तों हमारा जो लाभ आया कितने का, लाभ दोस्तों हमारा 3 रुपए का आया, कितने का 3 रुपए का दोस्तों में लाभ आया जाके, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मान लेते हैं किसी वस्तु को इस बार कोई वस्तु खरीदी गई, मान लेते हैं वह वस्तु को दोस्तों मान लेते हैं 32 रुपए में खरीदी गई, तो वस्तु को जब 32 रुपए में खरीदेंगे उसका कास्ट प्राइस हो जाएगा, किसी वस्तु को 32 रुपए में खरीदा गया तो उसका कास्ट प्राइस होगा। और दोस्तों उस वस्तु को मान लेते दोस्तों खरीद के 30 रुपए में बेच दिया, तो जो खरीदा तो वह उसकी कास्ट प्राइस, और बेचा हुआ उसकी सेलिंग प्राइस होगा। तो दोस्तों जब खरीदा तो कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य दोस्तों हमारा 32 हो गया, और विक्रय मूल्य कितना दोस्तों 30। तो दोस्तों हानि कितनी होगी, 32 में से 30 घटाएगा 2, यानी कि 2 की हानि आई, कि आपने खरीदा तो उसको 32 में था और बेच दिया दोस्तों किसी कारणवश 30 में,
तो दोस्तों दो की हानि हुई। यानी कहने का मतलब दोस्तों जब भी हमें लाभ ज्ञात करना होगा तो सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटाएंगे, एसपी में से सीपी को घटाएंगे, और दोस्तों जब हमें हानि ज्ञात करना होगा तो क्या सीपी में से एसपी को घटा देंगे, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। आप ध्यान से दोस्तों समझिए, टॉपिक मुख्य है आज की क्लास का कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। दोस्तों कैसे, दोस्तों ध्यान समझिए, तो मुझे उम्मीद है आप क्या ये समझ चुके होंगे। ध्यान से देखिए भैया, आपसे कह रहा प्रतिशत लाभ बताइए। तो दोस्तों जब प्रतिशत लाभ का जो हमारा फार्मूला होता है, जब भी आपसे प्रतिशत लाभ पूछेगा और प्रतिशत हानि, दो चीजें आपसे पूछ सकता है, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। जब भी दोस्तों आपसे प्रतिशत लाभ पूछेगा तो फार्मूला लगाएंगे लाभ इंटू 100 अपान दोस्तों क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहने का दोस्तों प्रॉफिट इंटू 100 अपान कास्ट प्राइस, ठीक है। और जब भी दोस्तों आपसे हानि कहेगा तो लिखोगे हानि इंटू दोस्तों 100 अपान क्रय मूल्य, ठीक है। हानि भी दोस्तों क्या क्रय मूल्य पे निकलेगी और लाभ भी क्रय मूल्य। ध्यान समझिए, क्रय मूल्य दोस्तों दो, क्रय मूल्य इसमें भी हर में है और इसमें भी हर में है, हानि प्रतिशत क्या है या लाभ प्रतिशत क्या है, दोनों में क्रय मूल्य हर में है। और दोस्तों क्या, यदि हानि कहेगा तो यहां हानि इंटू 100 रहेगा, और दोस्तों यदि लाभ कहेगा तो लाभ इंटू 100 रहेगा। क्रय मूल्य समझ गए किसे कहते हैं, और क्या आप विक्रय मूल्य भी समझ चुके किसे कहते हैं, लाभ कैसे निकालते वो भी मैंने आपको बता दिया और हानि कैसे निकालते दोस्तों वो भी बता दिया। दोनों फार्मूले फटाफट आप नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, इन्हीं फार्मूले पे जो दोनों फार्मूले लिखा है दोस्तों, इसी फार्मूले पे आपके पेपर में प्रश्न आता है, और वो भी दोस्तों कितना 2 नंबर का प्रश्न आता है यहां से, तो बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न इसको रब करें, चलिए। तो दोस्तों लेक्चर नंबर 7 तक दोस्तों टोटल 52 प्रश्न हो चुके थे, यानी दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा होगा, इस क्लास का तो पहला क्वेश्चन है, जब टोटल क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 53 होगा। कौन सा? 53। और ध्यान से देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 250 रुपए में खरीदता है, 250 रुपए में खरीदता है। आगे दोस्तों कहता है यदि उसने वस्तु को 280 रुपए में बेचा हो, यदि उसने वस्तु को 280 रुपए में बेचा हो तो उसका लाभ बताइए, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, बेचा हो तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। यहां प्रतिशत हिंदी में भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, साइन हमने बना दिया, लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान से देखिए दोस्तों, कहा एक दुकानदार किसी वस्तु को 250 रुपए में खरीदता है, तो दोस्तों उस वस्तु का 250 रुपए में खरीदा है, यानी क्या वह क्रय मूल्य, उस वस्तु का दोस्तों क्रय मूल्य यानी क्या कास्ट प्राइस होगा। और यदि उसने वस्तु को 280 रुपए में बेचा हो, तो वस्तु को 280 में बेच लिया, इसलिए इसकी ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई, विक्रय मूल्य हो गया, और आपसे पूछ रहा लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे लगाएंगे, क्या दिया है, दिया है दोस्तों क्या, वस्तु का ये क्या 250 रुपए, तो क्या हो जाए क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य यानी दोस्तों क्या होगा सीपी, इसी को कहते हैं सीपी कास्ट प्राइस, कितना दोस्तों 250 रुपए,
या ₹250 या ₹250। और दोस्तों बेचा किसने, कितने में दोस्तों, उसने विक्रय मूल्य। तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि दोस्तों क्या, सेलिंग प्राइस एसपी बराबर कितना, ₹280। और आपसे दोस्तों पूछा क्या गया, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्या है या प्रतिशत लाभ क्या है दोस्तों, बात एक ही। क्या लाभ प्रतिशत क्या है या प्रतिशत लाभ क्या है दोस्तों, बात एक ही, ध्यान समझिए। आपको होता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, बराबर लाभ गुणे 100 अपॉन क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पता नहीं कि लाभ नहीं पता है, तो लाभ कैसे दोस्तों निकालते हैं, मैंने बताया था लाभ बराबर दोस्तों क्या होता है फॉर्मूला, लाभ बराबर क्या, विक्रय मूल्य एसपी लिख देना रे, या आप लिखना चाहे तो यहां विक्रय मूल्य भी लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी। तो दोस्तों एसपी कितना हमारा 280 और माइनस सीपी दोस्तों कितना 250, कितना आ जाएगा दोस्तों ₹30 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों उस वस्तु पर लाभ कितना हुआ, ₹30 का लाभ हुआ जाके। तो यदि खाली लाभ पूछा, ये पूछा तो उसका लाभ बताइए तो ₹30 आ जाता, बट उसने पूछा उसका लाभ प्रतिशत बताइए, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, परसेंटेज में हमें बताना है। तो क्या लिखोगे, लाभ प्रतिशत बराबर या प्रतिशत लाभ बराबर, बात एक ही है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या, लाभ इंटू 100 अपान दोस्तों कितना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ध्यान से दोस्तों देखिए इसी के आगे लगाते रहे यहां पे दोस्तों, ध्यान से देखिए इसके बाद दोस्तों आपको इसी के नीचे नोट करना है, मैं हमारे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं यहां पे लगा दे रहा हूं। बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा लाभ, तो लाभ दोस्तों कितना ₹30 होगा, 30 गुणे दोस्तों 100 हो गया अपान दोस्तों कितना, क्रय मूल्य कितना दोस्तों, क्रय मूल्य 250, 250 कट कर लीजिए दोस्तों, जो कट जाए जीरो से जीरो कट गया, ये 25 से कट जाएगा, 25 एक कम 25 और 25 चक्कू दोस्तों 100 कितना आया जाके, 3 चक्कू 12 प्रतिशत आया जाके, यानी तो पूछा था तो उसका लाभ बताइए, अतः उस वस्तु पर दोस्तों उसे कितना लाभ मिलेगा 12% का, अतः उस वस्तु को बेचने पर दुकानदार को लाभ मिलेगा बराबर कितना 12%, लिख लीजिएगा, लिख देते चलो, अतः ये दोस्तों हमारा लाभ प्रतिशत आया जाके, या प्रतिशत लाभ लिखा हो या लाभ प्रतिशत, बात एक ही है। अतः वस्तु को, अतः उस वस्तु को ऐसे लिख लिया, अतः उस वस्तु को बेचने पर दुकानदार को लाभ प्रतिशत बराबर दुकानदार को लाभ प्रतिशत बराबर कितना 12%। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया है, आसान की आसान लगा लीजिए फटाफट फटाफट लगाइए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 की दोस्तों बात करते हैं, तब तक आप इसको लोड कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों देखने को मिलेंगे। ध्यान से दो, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को दोस्तों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को रब कर रहे हैं, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु को ₹250 में खरीदता है, आगे दोस्तों कहता है तथा वस्तु के मरम्मत पर तथा वस्तु के मरम्मत पर ₹50 खर्च करता है। आगे दोस्तों कहता है यदि उसने वस्तु को
वस्तु को 330 रुपए में, 330 रुपए में बेचा हो, बेचा हो तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, बेचा हो तो उसका लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बताइए, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान से दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 250 रुपए में खरीदता है, उसने उस वस्तु को क्या खरीद ली, पुरानी वस्तु थी 250 रुपए में खरीद लिया। कैसे पता चला पुरानी थी, क्योंकि तथा वस्तु के मरम्मत पर 50 रुपए खर्च करता है, यानी कि पुरानी ही वस्तु होगी तभी तो उस पर 50 रुपए लगाएगा, यानी कि एक वस्तु को उसने खरीदा 250 रुपए में और उसके बाद दोस्तों उसने क्या किया, 50 रुपए उसका जो कुछ गड़बड़ था उसको सही करने में खर्च कर दिया, मरम्मत करने में खर्च कर दिया, यानी कि वह वस्तु उसको कितने में पड़ गई, 250 में खरीदी, 50 रुपए मरम्मत, टोटल 200 कितने हो गए, 300 रुपए, कितने हो गए 300 रुपए दोस्तों टोटल हो गए, यानी कि दोस्तों उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दो कितने 250, और प्लस 50 रुपए मरम्मत के, दोस्तों कितना हो गया 50 पर कितना हो गया 300 रुपए। दोस्तों इसको रफ कर लेते हैं, ये पिछला वाला क्वेश्चन चल रहा है। इतने की जरूरत है रफ करने की, बाकी वही वैसे ही रहेगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 250 रुपए में खरीदता तथा मरम्मत 50 रुपए खर्च करता है, तो 250 की खरीदा, 50 रुपए मरम्मत कर दिया, टोटल उसके रुपए कितने लगे, 300 रुपए दोस्तों उसके लगे टोटल। उसके बाद दोस्तों क्या किया, यदि उसने वस्तु को 330 रुपए में बेच दिया, यानी कि उस वस्तु को दोस्तों किसने में बेच दिया, 330 रुपए में, यानी कि 200 में 250 में खरीद कर 50 रुपए लगाने के बाद 300 रुपए की वस्तु तैयार हो गई उसकी, और उसने बेच भी दी कितने में, 330 रुपए में, और 30 रुपए प्रॉफिट भी ले लिया। भाई 300 की टोटल वस्तु खरीद ली, खरीदने का था क्या, 250 में खरीदा, 50 रुपए मरम्मत लगाई, तो टोटल उसके रुपए तो 300 खर्च हो गए ना, और 30 रुपए तो 330 रुपए में वस्तु को बेचा, तो लाभ कितना हो जाएगा, कितना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कितना दोस्तों, 330 माइनस का कितना 300 बराबर दोस्तों कितना 30 आ गया। तो क्या चाहिए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बराबर लाभ कितना हुआ 30 का इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, दोस्तों हमारा कितना है 300। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कितने का हो गया, कट कर लीजिए जो कट रहा हो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 एकम 3 और 3 दहम 30, 3 एकम 3 और 3 दहम 30 दोस्तों, यानी कितना आएगा 10, 10% आया लाभ प्रतिशत दोस्तों कितना है 10। तो क्या लिखा, अतः उस वस्तु को बेचने पर दुकानदार को लाभ प्रतिशत बराबर को, या दुकानदार क्या कर सकते हैं, दुकानदार का लाभ प्रतिशत बराबर 10%। ये दोस्तों हमारा क्या फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप अब ऐसे प्रश्न लगा लेंगे कि नहीं, हो जाएंगे कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों अगला भी, क्वेश्चन नंबर 55। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को रब कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को बहुत ही धैर्य और ईमानदारी के साथ लगाएगा, सीखिएगा जरूर दोस्तों, और अच्छे अच्छे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 क्या कहता है हमारा, एक दुकानदार एक दर्जन पेंसिल 2 रुपए प्रति पेंसिल की दर से खरीदता है, दर्जन पेंसिल 2 रुपए प्रति दर्जन की दर से
की दर से खरीदता है, खरीदता है। आगे दोस्तों आपसे कहता है वह चार पेंसिलों को ₹1.50 यानी कि ₹1.50 ₹2 प्रति पेंसिल लिख दीजिए, दर्जन नहीं, ₹2 प्रति पेंसिल है। और ₹1.50 प्रति पेंसिल तथा शेष को 2.5 यानी कि ₹2.50 में प्रति पेंसिल क्या किया, तथा शेष को ₹2.5 प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, कि दर से बेचता है। ध्यान से दोस्तों देखिए आगे कहता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो उसका लाभ ऑब्लिक दोस्तों लगा हानि प्रतिशत बताइए। ध्यान से देखिए दोस्तों करना क्या है, इसको रब करें, ध्यान से देखें। दोस्तों ध्यान से देखें, कह रहा है एक दुकानदार एक दर्जन पेंसिल ₹2 प्रति पेंसिल की दर से खरीदा, यानी कि एक पेंसिल को दोस्तों वो ₹2 में खरीदता है। तो एक दर्जन पेंसिल खरीदता है इसलिए कितना हो गया, 2×12 हो जाएगा, यानी कि ₹24 की पेंसिल उसने खरीद ली, ठीक है। और वह चार पेंसिलों को ₹1.50 प्रति पेंसिल, यानी कि चार पेंसिलों को दोस्तों क्या ₹1.50 प्रति पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल को ₹1.50 में कितनी पेंसिल को बेचता, चार पेंसिलों को, और शेष पेंसिल है, तो यानी कि दोस्तों कितनी, चार यहां बेच दिया तो एक दर्जन में 12 होते हैं, चार यहां बेच दिया बची कितनी 8, तो 8 पेंसिलों को दोस्तों क्या ₹2.50 में प्रति पेंसिल को बेचता है। तो उसका लाभ हुआ या हानि हुआ यह हमें ज्ञात करना। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो एक दुकानदार एक दर्जन पेंसिल को ₹2 प्रति पेंसिल की दर से खरीदता है, यानी दोस्तों आपको पता एक दर्जन में कितने होते हैं 12, इसलिए दोस्तों एक पेंसिल का मूल्य दोस्तों ₹2, इसलिए 12 पेंसिलों का मूल्य दोस्तों कितना हो जाएगा, 2×12 यानी कितना ₹24 होगा, यानी कि दोस्तों वह एक दर्जन पेंसिल को कितने में ₹24 में खरीदता है। फिर क्या किया, चार पेंसिलों को दोस्तों ₹1.50 में बेचता है, यानी कि 4×1.5 प्लस उसके बाद दोस्तों कितना करना है शेष पेंसिल, तो दोस्तों एक दर्जन में 12 होते, 4 को बेच दिया कितनी बची 8, तो 8 और एक पेंसिल को दोस्तों कितना 2.5 में बेचता है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 15×2 दोस्तों 60 होता है, एक अंक बाद पॉइंट था यहां लगा दिया, और 25×8 दोस्तों कितना होता है 200 होता है 200, और एक अंक बाद पॉइंट यहां लगा दिया, इसको दोस्तों दोनों को ऐड करिए कितना होगा 20, 26 हो गया ना ₹26 में, यानी कि दोस्तों हमारी सेलिंग प्राइस उसकी कितनी आ गई ₹26 में आ गई, यानी कि दोस्तों क्या किया, अब ध्यान समझिए, यहां क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला ये था कि यहां कहा था कि दर से बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत, ये आपको खुद तय करना है कि उस वस्तु पर उसको लाभ हुआ, उस वस्तु पर कौन, यानी कि पेंसिल पर, पेंसिल को उसने बेचा तो लाभ हुआ या हानि हुआ, तो आपको अपनी नजरिए से खुद देखना है। उसने उस वस्तु को ₹24 में खरीदा, उस वस्तु को कौन सा, पेंसिल को ₹24 में खरीदा, एक दर्जन पेंसिल को ₹24 में खरीद लिया, और एक दर्जन पेंसिल को दोस्तों ₹26 में बेच दिया, लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो जाहिर सी बात 24 में खरीदा 26 में बेचा, तो लाभ ही हुआ कितने का, 2 का हो गया। तो ध्यान से क्या लिखोगे, लाभ बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिख लीजिएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हम लिख देते हैं एसपी सेलिंग प्राइस माइनस का कास्ट प्राइस, तो दोस्तों कितना एसपी कितना 26 हो गया, और सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना होगा 24 हो गया, बराबर दोस्तों कितना 2 का, तो दोस्तों लाभ उसे कितना हो जाएगा 2 का, ₹2 का दोस्तों से लाभ हुआ जाके,
आप ध्यान से देखिए दोस्तों, अब आपको पता लाभ प्रतिशत पूछा था, तो यहां से जब लाभ 2 रुपए का हुआ तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। यहां फटाफट दोस्तों निकाल लेते हैं, यही फार्मूला लगा देते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर या प्रतिशत लाभ बराबर, बात एक ही है, कितना लाभ इंटू 100 अपान कितना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो दोनों पर रहता, चाहे हानि निकालना हो चाहे लाभ। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत बराबर या प्रतिशत लाभ बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, लाभ कितना दोस्तों हुआ 2 का गुणे 100 और 5 दोस्तों क्या क्रय मूल्य हमारा कितना है 24 रुपए, कट कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। अब उसको कट करिए दोस्तों, तो किससे कटेगा दोस्तों, 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 2 8 हो गया, 2 बचा 20 होगा, 4 5 20, 25/2 दोस्तों कितना 3 आया जाके। अब 25/3 है, इसको फिर से सॉल्व करिए दोस्तों, इसको भाग करिए तो कितना होगा, ध्यान से देखिए, 3 8 24, क्या 3 8 24 होता 8 सही, 1/3% आ गया, 3 8 24 1 25 25/3 हो जाएगा, या यदि इसको क्वांटम में चाहते हैं दोस्तों तो भाग कर लीजिए कितना होगा, ध्यान से देखिए, 3 भाग 25 करेंगे तो 3 8 24 हो गया, 1 बचा, ठीक है, पॉइंट लगाओगे 0 लगाओगे कितना हो गया 3 3 9, फिर दोस्तों 1 बचेगा और फिर 0, तो 3 3 9 यानी कितना, या तो ये लिख लिए 8 सही 1/3% या 8.33%, दोनों दोस्तों हमारे ऑप्शन सही हैं। तो क्या लिखोगे, अतः क्या पूछा था, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, अतः दुकानदार को पेंसिल बेचने में, क्या इसके नीचे लिखोगे, अतः दुकानदार को पेंसिल बेचने में लाभ प्रतिशत बराबर कितना 8.33% लिख लोगे क्या, बोल दे अतः, चलिए लिखे दे रहे हैं, अतः दुकानदार को, दुकानदार को पेंसिलों को बेचने पर लाभ प्रतिशत बराबर, दोनों में से कोई भी आंसर लिख दे, चलिए हम लिख दे 8 सही 1/3%, ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर लिखिए चाहिए लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। इसको रख करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं, ठीक है, लाभ पे दोस्तों जो जिस टाइप के प्रश्न थे हमने करा दिया, अभी और अगले टाइप के भी हैं, इसी टाइप पे दोस्तों हानि कैसे पूछता उस पे करा देते हैं, फिर अगले टाइप पे दोस्तों बाद में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए ध्यान से, देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है, आगे कहता है यदि दुकानदार ने वस्तु को 450 रुपये में बेचा हो तो उसका हानि प्रतिशत बताइए, बेचा हो तो उसका
हानि प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत बताइए। ध्यान से दोस्तों देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको रख करें। क्या कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है और यदि उसने उस वस्तु को 450 रुपए में बेच दिया हो तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। क्या किया दुकानदार ने, कितने में वस्तु खरीदी, 500 रुपए में, तो जो वस्तु खरीदता वही तो हमारी कास्ट प्राइस होती, इसलिए दोस्तों क्रय मूल्य हमारा कितना होगा 500 रुपए। ठीक है, और तो दोस्तों इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 450 रुपए में। क्या हुआ, दुकानदार ने क्या किया, किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा, किसी कारणवश उसने क्या किया, उस वस्तु को 450 रुपए में बेच दिया, तो कहा तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों में क्या याद करना, हानि प्रतिशत, या प्रतिशत हानि कहें, प्रतिशत हानि कहें, या हानि प्रतिशत बात एक ही दोस्तों है। तो ध्यान से देखिए, आपको पता है हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, हानि इंटू 100 अपान क्रय मूल्य। तो दोस्तों सबसे पहले हानि पता होना चाहिए, तो आपको हानि पता कैसे निकालते, हानि बराबर होता था विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस दोस्तों क्या क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, घटा दीजिए दोस्तों क्या कितना, क्रय मूल्य यानी 500 में दोस्तों खरीदा है, एक मिनट उल्टा कर दिया ना, हानि याद करना ना, तो क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या जब भी हमें हानि याद करना होगा तो क्रय मूल्य यानी कितने में वस्तु को खरीदा है और कितने में बेचा दोस्तों, तो 500 में दोस्तों उसने वस्तु को खरीद लिया कास्ट प्राइस और बेचा दोस्तों कितने 450 में, तो दोस्तों हमें हानि कितनी की हुई, हानि बराबर दोस्तों कितना हो गया 50 रुपए। वो आपको पता है हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है फार्मूला, हानि प्रतिशत बराबर दोस्तों क्या, हानि इंटू 100 अपान कितना, हानि इंटू 100 अपान क्रय मूल्य। तो दोस्तों इधर लगा दे रहे हैं फटाफट देखिए, तो हानि प्रतिशत बराबर दोस्तों, हानि प्रतिशत बराबर कितना, हानि दोस्तों कितनी हुई 50 रुपए की, तो 50 और गुड़े दोस्तों कितना 100 बटे दोस्तों क्रय मूल्य हमारा कितना है 500, तो 500 कट कर लीजिए, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 5 एकम 5, 5 दहम 50 यानी कि दोस्तों हानि प्रतिशत कितना आया 10%। तो क्या लिखोगे अच्छा फाइनल आंसर आता है, दुकानदार को वस्तु को बेचने पर, अतः दुकानदार को वस्तु को उस वस्तु को बेचने पर हानि प्रतिशत बराबर दोस्तों कितना 10% या 10% हानि प्रतिशत दोस्तों कितना 10% या 10% की उसे हानि होगी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1150 रुपए में खरीदता है, 1150 रुपए में खरीदता है तथा वस्तु के मरम्मत में
वस्तु के मरम्मत में 250 रुपये खर्च कर देता है, खर्च कर देता है। आगे दोस्तों आपसे कहता है यदि उसने वस्तु को 1300 रुपये में बेचा हो तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो उसका किसका, वस्तु का, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है, ध्यान से देखें दोस्तों कैसे लगाएंगे इसको। दोस्तों यदि यह क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे दूं तो अच्छा प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को आप घर से लगा के लाइएगा। 57 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक दोस्तों। और मुझे उम्मीद है यदि आपने पूरा लेक्चर सही से देखा है तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप जरूर करके बताएंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।